हेलो दोस्तों, देखिए दो दो गूगल पेन एक डॉक्टर पेन आ चुका है। सौरभ मेहता जी, डॉक्टर सौरभ मेहता जी का सपोर्टर मॉनिटर का पेन आया है। अच्छा, ये मैं आपको देने आया हूं। पहले भी ला चुके हैं, पहले क्या था आपका? अच्छा जी, आसानी से मिल जाता है ना? मैं जी बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और सभी लोग पूछ रहे थे, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, और जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है उनके लिए, और जो गूगल पे नहीं आ रहा है उनके लिए, जिनके घर में लोग मना करते हैं उनके लिए, जो वीडियो नहीं बना पा रहा है उनके लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और उनके लिए जो समझते थे कि हम दोनों को जो जानते नहीं थे, मैं अपनी मम्मी से मिलवाऊं, तो आज वो दिन आ गया है। और मैंने प्रण लिया था कि गूगल पे आएगा, मैं मम्मी से मिलवाऊंगा, तो मैं सभी को आज वो प्रण भी पूरा करता हूं। तो आप लोग दिल थाम के बैठ रहिए, वीडियो पूरा देखेंगे, आपको वास्तव में सीखने को मिलेगा। अगर आप एक ही घर में हैं, कोई वीडियो बनाने नहीं देता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई आपको मना करता है तो इंपॉर्टेंट वीडियो, आप खुद नहीं बना पाते तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी जो मम्मी जी हैं, और आपको जानकर खुशी होगी, बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत से जे नहीं जानते कि जे टेक्निकल दादी नाम से यूट्यूब पे फेमस हैं। मेरी माता जी हैं, इनका गूगल पिन पहले ही आ चुका था, और आज मेरा गूगल पिन आ गया है। तो एक घर में दो दो गूगल पिन आ चुके हैं, और एक ही घर में दोनों टेक कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत सीखने लायक है, वीडियो इंपॉर्टमेंट इतना होने वाला है कि अगर आपने जो थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया, बिना स्किप करे देख लिया, तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाला ये वीडियो है। क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में इस टाइप का वीडियो आपको अगर एक भी दिखा हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो ही नहीं मिलेगा जो आज हम आप सबके लिए इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, और जो कैसे आया हमारे घर पे, इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताऊंगा, कैसे हमारे घर में जो गूगल पिन आया, और आज जैसे ही आया हम कैसे इसके लिए अप्लाई करें। और जब आज जैसे ही आया, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं घर पे नहीं था, मैं ड्यूटी पे जाता हूं, जॉब करता हूं, तो मैं घर पे नहीं था। मम्मी को पता हुआ था गूगल पिन आएगा, इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा कि बेटा पोस्टमैन में जाके पता कर लो। तो मैं डर तो लग रहा था कि इतने दिन हो गए, लेकिन उनको अनुभव था उनका, क्योंकि पहले ही आ चुका था, तो वो समझ रही थी कि दो चार दिन और वेट कर लो, आ जाएगा। तो वो आज अपने आप मेरे पे जैसे ही फोन आया कि पिन आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे घर वालों को बहुत खुशी हुई। वो आपको पोस्टमैन भैया से भी मैं आपको मिलवाया है, वीडियो में साइड में भी चला दूंगा, और उनको फिर हमने खुशी से चाय नाश्ता पिलाया, बहुत वो भी खुश हुए। तो ये एक हमारी जर्नी थी। शुरू कैसे हुई मैं बता देता हूँ। मैंने सपोर्ट मॉनिटर नाम से 3 साल पहले चैनल बनाया, और दोस्तों वो चैनल इतना मतलब 3 साल होगा, मैं कुछ भी मिक्स डालता था, कुछ भी अपन मिक्स डाल रहा है। उसके बाद जब मिक्स डालने के बाद मन नहीं हो रहा गिरो होगा कि नहीं होगा, उस बीच हमारी मम्मी जी ने रसोई की वीडियो डालना शुरू करे। दादी की रसोई चैनल था, जिसका यूट्यूब वाले बाबा ने भी बहुत मतलब तारीफ की कि 70 साल की दादी वीडियो बना रही है। एक अगर वो वीडियो मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊं, एक 70 साल की महिला है, टेक्निकल दादी करके एक चैनल है, वो यूट्यूब किसे देती है? 65-70 साल एज है उनकी, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ कैसे उन्होंने तारीफ की। तो दादी का जैसे ही मोनेटाइज हुआ और उनका पिन आया, बहुत खुशी हुई कि 70 साल की एक महिला वीडियो बना के पिन आ गया। उसके बाद दादी के रसोई के बाद उन्होंने टैग का वीडियो चला बनाना शुरू किया, क्योंकि रसोई की वीडियो में मेहनत काफ़ी हो रही थी, हम लोग उतना समय नहीं दे पा रहे थे। अकेली माता जी सब्जी मब्जी काट के वीडियो बनाती थी, 1-2 घंटे लगते थे, लेकिन फिर मैं टैग के वीडियो मैंने बनाना शुरू करे, तो उनको लगा मैं भी बनाऊँगी, मैं भी आज की जनरेशन से सीखूंगी और सिखाऊंगी, और यूट्यूबर घर घर बनाऊंगी, लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। फिर दादी ने, मैं इस टेक्निकल दादी मेरी माता जी ने फिर टेक के वीडियो चलाए, और वो वीडियो चल गया, वायरल हो गया, ऐसे वीडियो चलने लगे, और आज वो टेक्निकल दादी के नाम से फेमस है। अगर आप पहले से जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, और आप अगर नहीं जानते तो अब आपको मैंने बता दिया है। और जो गूगल पिन, दादी भी बताएंगी अपनी जर्नी की, कैसे उनकी शुरुआत रही, उनका मेरे पे कैसे आशीर्वाद रहा, और उनका भी मुझे सहयोग मिला। देखिए कई लोग तो मना भी करते हैं घर में कई बार कि क्या है जो वीडियो बनाते रहते हो, क्या होता है उससे, लेकिन ना, दादी की ही टेक्निकल दादी की ही आज बदौलत
मैं ये कहूंगा मेरा पिन आया है, क्योंकि उनके आशीर्वाद और उनके सपोर्ट और सहयोग के बिना ये पिन नहीं आ पाता, क्योंकि उनको मोटिवेट होकर देखिए आप भी मोटिवेट होंगे। मैं खुद हुआ हूँ घर में, आज दादी की वजह से कम जो जुड़े हुए हैं कम से कम ऐसे 8-10 लोगों ने चैनल बना लिए, मेरे दोस्तों ने बना लिए जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने बना लिए, और तो और हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं उन्होंने भी मोटिवेट होकर बना लिए, तो मैं क्यों मोटिवेट नहीं होगा। तो मैं भी काम करता रहा, मैंने कहा दादी का पिन आया है, दादी की तो अर्निंग भी हो चुकी है, खाते में पैसा जमा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी मेहनत करता रहूंगा। तो आज मेरा चैनल भी अच्छा चल रहा है भगवान की दुआ से, आज ही 6000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए हैं और पिन भी आ गया है। बस आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और दुआ करिएगा माता जी का आशीर्वाद भी ऐसा बना रहे, तो मैं आपको माता जी से भी बात करवा दी। आप लोग मेरे को जानते होंगे टेक्निकल दादी के नाम से, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो भी बनाए। मैंने तो कह दिया बनाओ आप वीडियो, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे। मैंने कह दिया आज मैं इस वीडियो इसमें कहती हूँ कि आप लोग बनाइए, मैं तो आप लोग आगे बढ़ोगे, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं पहले आपको मालूम है कि मैं सर्विस करती थी मगर मैं मोबाइल नहीं चलाती थी, और पहले स्मार्ट मोबाइल भी नहीं था, साधारण मोबाइल था, बस मैं बंद करती थी और चालू कर देती थी। मगर जब मैं कोरोना का ज़माना आया तो मेरे को भी कोरोना हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही, तो मैंने देखा कि सब लोग वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अपन इतने होते हुए अपन क्यों मोबाइल से दूर है, अपने मेरे पास स्मार्ट मोबाइल नहीं था, और अपन आप समझते हो पुराने लोग रखना भी नहीं चाहते कि कहीं खो ना जाए, थोड़े कंजूस होते हैं कि मेरा इतना पैसा चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, फिर भी मोबाइल नहीं लिया, मैंने अपने बच्चे से कहा कि मेरे को भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि कोरोना में सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, मैंने नहीं चलाया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे बड़े बच्चे ने मेरे को खुद का मोबाइल दे दिया, उन्होंने कुछ नया ले लिया, कहने लगे आप नया रख लो, मैंने कहा नहीं मेरे को आप पुराना दीजिए, क्योंकि मेरे को अभी कुछ आता नहीं है। तो फिर उन्होंने दिया, तो मैंने उसमें यूट्यूब मैंने किचन की वीडियो डालना शुरू कर दिए, क्योंकि लेडीज़ों को यही आता है कि खाना कैसे बनाते हैं, तो मैंने खाना बनाना डाल दिया। इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, खाना तो अच्छा अच्छा मिलता था, बच्चों को बड़े खुश होते थे, छोटे बच्चे भी खुश होते कि दादी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, मगर टाइम बहुत लग जाता था, क्योंकि आजकल की बहुएँ किचन में रहती हैं और अपन वीडियो बनाएंगे तो टाइम लगेगा, जब किचन खाली होगा जब अपन बना सकते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके लिए अपन को सामान भी जुटाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, और सब सब्जियाँ मब्जियाँ सब काटना पड़ेंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, जो जॉब भी मेरी बहू एक जॉब करती है, उनको भी देखना पड़ता है, बहुत कठिन काम हो गया था। तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है ये टेक के वीडियो बनाते थे, तो मैंने कहा ये टेक के वीडियो बना रहा है, तो मैं आप कैसे बना रहे हो, इनने बताया कैसे बना रहा है, तो मैंने दूसरों से वीडियो भी देखे, जैसे यूट्यूब वाले बाबा हैं, टेक्निकल योगी हैं, इन लोगों के वीडियो देखे, तो मैंने और भी लोगों के देखे, तो मैंने कहा ये इतने बड़े यूट्यूबर जैसे मनोज जी हैं, इन बेटा इसका भी मैंने वीडियो देखा कि कितनी स्थिति में इन्हें कैसा वीडियो बना रहा है, तो अपन क्यों नहीं बनाते, अपने पास तो सब कुछ साधन है, फिर भी अपन वीडियो नहीं बना रहे, और उन सब प्रेरित होकर मैंने वीडियो बनाया। आजकल मेरा पिन बहुत पहले मेरा पिन आ गया, और मेरे पेमेंट भी आ गई है, और दूसरी पेमेंट भी बन गई है, आने वाली है, तो मेरे को इतनी क्योंकि अपन ये नहीं है, अपन सम्मान संपन्न है, फिर भी अपन को चाहिए कि यूट्यूब पर प्रसिद्ध हैं, और अब यूट्यूब का जो पेमेंट आता है उसकी खुशी खुश अलग ही होती है, क्योंकि आप लोग मेरे को पहचानते हो, पहले तो कोई पहचानता नहीं था, अगर मैं घर में बैठी रहती ना आप पहचानते ना आप लोगों के कमेंट आते, मेरे को इतनी खुशी आती है आप लोगों के प्रेम और सहयोग से मैं आज इतने आगे पहुंच गई हूं, और जो कि मेरा बेटा है इसने भी अब वीडियो बनाना चालू कर दिया, और इनके बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर इनका गूगल पिन आया। कैसे आया, इन्होंने पहले छोड़ दिया था, क्योंकि यूट्यूब में का नियम है 1 साल के बाद कम होने लगती हैं बात नाम, तो उसमें ये कहने लगी हम नहीं कर सकते क्योंकि कम हो रहे हैं, मगर जब छोड़ दिया, जब मैं आगे बढ़ी, कह रहे जब मम्मी कर सकती हैं हम क्यों नहीं कर सकते, बच्चों को तो ज़्यादा ज्ञान होता है ना,
तो उन्होंने फिर चालू करा, एक महीने के अंदर इनका गूगल बना गया। तो ये भी बहुत खुश हैं। अब इनके इनके वीडियो अच्छे चलना है और दूसरों का सपोर्ट भी करना है। मेरे को तो टाइम कम मिलता है तो मैं कम कर पाती हूँ, इनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि जॉब करते हैं उसके बाद भी टाइम मिलता है। और मेरे को इस बच्चे का भी सपोर्ट रहा और आगे बढ़े। और आपको बता, मेरे घर वाले मना करते थे, इनके पिताजी मना करते थे कि नहीं आप ये वीडियो नहीं डालोगी क्योंकि पैसे बहुत काम है और काम बढ़ जाएगा। मगर मैंने क्या करा, चोरी चोरी वीडियो डालना चालू कर। और ये बेटे का सहयोग रहा तो मैंने वीडियो डाले तो मैं आगे पहुंच गई। और इसमें क्या था, इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं थी। अगर मैं रात को 3 बजे भी नींद खुल जाती थी तो मैं वीडियो बनाकर तैयार कर देती थी और फिर एडिटमेंट करके डाल दें। इस तरह से मैंने आज YouTube पे इजन। और बहुत से लोग इन्होंने मेरे पे कमेंट भी किया कि दादी आपके बस की नहीं है, आजकल बहुत स्मार्ट जमाना है, छोड़ दीजिए। मगर मैंने उनको हंसी में ले लिया, मैंने कहा अच्छा रहा आपने कहा, मैं उससे और आगे काम करूँगी और तेजी से काम किया। क्योंकि उनकी मेरे को मिला के इनके इन्होंने कहा क्यों है, आप इनको बताऊंगी कि मैं आगे बढ़ूँ। आप वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको पता लगा कि आज दादी इस मुकाम पे पहुंच गई। बस आप सभी का ऐसा ही सहयोग रहे। हम आपको बहुत जल्द देखिए, अर्निंग दादी की आ गई है तो एक अर्निंग वाला वीडियो भी बहुत जल्दी बनाएंगे। और भगवान करेगा मेरी भी अर्निंग जल्दी आएगी, आपको हम वीडियो बना के दिखाएंगे फ्री में। हम सपोर्ट भी कर रहे हैं लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिना पैसे के मदद करते हैं हम लोग। क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है पैसे लेके मदद नहीं करना बेटा, करना है लोगों का जो लोग परेशान हो रहा है। क्योंकि मम्मी को पता हुआ है कि लोग कितने परेशान हैं, जब भी वो आज यूट्यूब पे आई हैं लोगों को सिखाने और फ्री में हेल्प करना, एक पैसा मत लेना, चाहे उसके लिए तुम्हें समय लगे कुछ लगे, लेकिन मदद करने से किसी का मत चूकना। क्योंकि अगर आप मदद करोगे तो ऊपर वाला हमेशा आशीर्वाद देता है, इसलिए मैं सबकी मदद भी कर रहा हूँ। और बस आपको यही बताना था, वीडियो अच्छा लगा अधिक से अधिक लाइक करिएगा, कोई भी क्योरी हो तो बताइएगा। और अगला वीडियो में लाऊंगा इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करना भी बताऊंगा, एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो यार पिन आ गया है तो इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि नौकरी का जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, उससे ज्यादा खुशी हो रही। देखिए पैसे की तो पैसे तो नहीं, पैसे से ज्यादा खुशी हो रही। यूट्यूब का जब पैसा आता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी जन्नत मिल गई हो। तो आज बिल्कुल जो ऐसा ही लग रहा है, ज्वाइनिंग लेटर से बड़ी चीज मिल गई हो, जैसे आप मम्मी के आशीर्वाद से हुआ है। तो आप भी चाहें तो एक घर में और वीडियो बना सकते हैं, ऐसे चैनल बना सकते हैं, है ना। बहुत से लोगों को के ताने भी सुनना पाते हैं, घर के लोगों के भी सुनना पाते हैं, इतने बुढ़ापे में आप वीडियो बना रही हो, बच्चों को मना नहीं कर रही, तो बच्चे वीडियो मोबाइल क्यों नहीं देखेंगे। मगर मैं कह रही हूँ कि नहीं, मोबाइल इतना ख़राब नहीं है, अगर आपको कुछ शिक्षा मिल रही है तो आपको करना चाहिए। भला अपन को गलत रास्ते पर नहीं जाना, अच्छे से करो तो आप आगे बढ़ोगे। मैं आप लोगों को सबको आशीर्वाद देती हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ें और यूट्यूब पर अपना नाम रोशन करें। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और आप तो अगर टेक्निकल दादी चैनल पे नहीं गए हो तो टेक्निकल दादी आप टाइप करेंगे चैनल मिल जाएगा। तो बस यही आज बताना था। तो आज आप सबके लिए मुझे ये बस खुशी भी शेयर करना थी कि टेक्निकल दादी मेरी मम्मी ही है और मेरा ये गूगल पिन आया है। तो बस ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, बाकी मैं सपोर्ट करता रहूँगा फ्री में, मैं नहीं डरूंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। कुछ सीखना हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। बाय।